छब्बीस जून 2020 को चली खबर का खंडन। जनपद संभल के चंदोसी नगर पालिका परिषद में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति होने के बाद शासन से आए अधिशासी अधिकारियों द्वारा उनका वेतन नहीं निकालने की बात कही गई थी तथा कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी द्वारा उनका वेतन स्वीकृत करने की बात बताई गई थी, जिसकी खबर 26 जून को अभी तक न्यूज पर प्रसारित की गई थी, जिस पर कार्यवाहक ईओ रहे राजीव कुमार राजपूत ने आपत्ति दर्ज कराई। अतः अभी तक न्यूज चैनल अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखते हुए उस खबर का खंडन करते हुए बताना चाहता है कि जब तथ्यों की जानकारी ली गई तो सामने आया कि उनसे पूर्व में ईओ रही अमिता वरुण ने एक कर्मचारी का पदोन्नति का वेतन स्वीकृत कर दिया था। इसलिए जब मेरे सामने शेष कर्मचारियों की फाइल आई और मैंने देखा कि उन फाइलों में सब कुछ सही है और मेरे पास वित्तीय अधिकार भी थे तो मैंने उनके वेतन भी स्वीकृत कर दिए। मैं जो है लिखा कि मैंने जो है गोल बोल जवाब दिया, मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि मैंने कौन सा गोल बोल जवाब दिया। मुझसे जो पूछा गया था, जो पूछा था आपने पूछा था जी, उसका मैंने जो है हर सवाल का जितने आपने मुझसे किए थे उसका मैंने जो है पंक्तिवार जवाब दिया। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो कि मैंने छुपाई हो। आप इस संबंध में खुद भी समझ सकते हैं, लेकिन मेरे लिए कहा गया कि इसमें गोल बोल जवाब दिया, तो मेरी आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि मैंने उसमें क्या गोल बोल जवाब दिया। अरे मेरे पास जो फाइलें मेरे सामने आई थी उन फाइलों को मैंने देखा, फाइल अपने आप में कंप्लीट थी। अब किसने किया, क्यों नहीं किया और उन्होंने क्यों नहीं किया, ये तो उनसे पूछने का सवाल है, मुझसे क्या मतलब है। मेरे सामने फाइल आई, फाइल मैंने देखा कंप्लीट है, मैंने ओके कर दी। मेरी पावर थी इसलिए मैंने ओके कर दिया। वित्तीय पावर आपको मिली हुई थी तो आप वही बता सकते हैं क्यों नहीं किया उन्होंने। और उसमें से भी एक का कर दिया था। किसने किया था वो? शायद अमिता वर्मा यो थी, उन्होंने कर दिया। एक का कर दिया था, तीन का नहीं किया था। अच्छा, उनका आपने कर दिया? उनका मैंने कर दिया। तो फाइलें कंप्लीट थी? फाइलें कंप्लीट मैंने कर दिया। हाँ, तो मैंने गोलमोल तो कुछ कहा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी इसी बात की मेरी आपत्ति थी। ठीक है, आपकी खबर में स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया क्या मामला था। ठीक है।